बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए हमने 2 बिलियन रखे हुए हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें जो माशरे में टैलेंटेड हैं, उनके डिग्रियां उनके पास हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन उनको कोई माली सपोर्ट नहीं है। तो हुकूमत बलूचिस्तान ने फैसला किया है कि 2 अरब का एंडोमेंट फंड उनके लिए रखे। इसी तरह हमारे बल्कि आपके लिए जो भी हमने अच्छा खासा इस दफा रखा है, जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन सब के प्रेस क्लबों के लिए हमने 2-2 मिलियन रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग गवादर एंड लसबेला। माहीगीरी एक हमारा अहम सेक्टर है और 770 की कोस्ट लाइन हमारे पास है। माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए 1 बिलियन हमने एंडोमेंट फंड रखी है ताकि उनकी जो है हम बर वक्त मदद कर सकें, उनको जो जरूरतें हैं उनकी उनको हम देख सकें। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट फंड का आपको पता है कोई 4 बिलियन हमने इन्वेस्ट किए थे, तकरीबन 1,500 पेशेंट्स अभी तक हम इलाज कर चुके हैं जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जिसमें कैंसर, हार्ट अटैक और लीवर सरोसेस इस तरह के जो मर्ज हैं जो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनके लिए एक एंडोमेंट फंड रखा है और ताकि उनको एक मदद किया जा सके और इस हवाले से एक इक्विटेबल और एक फेयर निज़ाम बनाया है। इस दफा हमने कोई 2 अरब मजीद रखे हुए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज कर सकें। हमारी अपनी जो है पेंशन फंड, उसमें भी हमने 1 अरब का इजाफा किया है। आपको पता है कि पेंशन जो है वो अनलिश होती जा रही है, कोई 40 बिलियन के करीब पिछले साल था, तो हमने उनके लिए कोई एक इन्वेस्टमेंट की है, तो इस दफा 1 अरब उसमें मजीद इजाफा किया है ताकि आने वाले वक्तों में इसको हम जो है कैटर फॉर कर सकें। हमारी PSDP एक जो हमारा प्रोविंशियल PSDP है वो कोई 172 बिलियन उसमें हमने रखे हैं, जिसमें कुछ फौरन असिस्टेंट्स के फंड हैं, अगर उसको मिला के 189 तक आ जाता है। 112 अरब हमने ऑनगोइंग स्कीमात के लिए रखे हुए हैं और इस दफा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट के तवज्जुद से हमने मिनिमम एलोकेशन जो ऑनगोइंग स्कीमात को दी हैं वो 20% है, वो न्यू के लिए भी यही है। इससे पहले ये होता था कि लोग जो हैं ऑनगोइंग स्कीम प्रोजेक्ट्स को जो हैं वो छोड़ देते थे क्योंकि वो समझते थे कि ये पुरानी हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स हैं और उनको इतनी एलोकेशन नहीं मिलती थी, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम इनको जो है बर वक्त मुकम्मल करेंगे, जिसमें 2,285 अरब की नई स्कीमात हैं और 1,501 अरब जो हैं 1,501 जो हैं वो पुरानी हमारी स्कीमात हैं। और टोटल जो हमने टारगेट रखा हुआ है इस दफा कि हम PSDP से इन स्कीमात को मुकम्मल करेंगे, जिसमें 788 स्कीमात हमारी नई हैं और टोटल जो ऑनगोइंग के साथ मिल के जो स्कीमात इस दफा मुकम्मल हो जाएंगे वो 1,647 स्कीमात हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने बड़ी कोशिश की है कि हम अपनी PSDP को इसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ले आए जिसका जो है एक अच्छा खासा इंपैक्ट हो, जिसमें 3 अरब का हमने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम रखा हुआ है, इसी तरह 4 अरब का हमने एग्रो मार्केट डेवलपमेंट पैकेज एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए रखा हुआ है, कोई 200 नई प्राइमरी स्कूल हम तामीर कर रहे हैं, 1.5 अरब उसकी लागत है, क्वेटा के लिए एक गर्ल्स कैडेट कॉलेज बना रहे हैं उसकी लागत 1 अरब है,
तीन नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं बलूचिस्तान में, एक क्वेटा में जो है एसकेबीजेड में और खुजदार में और लोरालाई में। अच्छा 80 करोड़ जो है हमने जो मेजर टाउन्स हैं बलूचिस्तान के, बस अड्डा और ट्रक अड्डा, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स के रखे हुए हैं, और क्वेटा को एक्सक्लूसिवली कोई 5 अरब हम दे रहे हैं ताकि क्वेटा की जितनी भी जरूरतें अपार्ट फ्रॉम क्वेटा पैकेज। तो ये सारी जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की इस दफा की पीएचडीपी की जो है इंटरवेंशंस थे, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है बर वक्त कंप्लीट करें, और इसका जो एक फार रीचिंग इंपैक्ट बलूचिस्तान के तूल अर्ज में आएगा। इसी तरह जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके जो पिछले साल का बजट जो है वो कोई 40 बिलियन के करीब था, इस दफा जो है उनकी नॉन डेवलपमेंट 44 है और डेवलपमेंट जो है वो 11 बिलियन है। इसका मतलब है कि वो कोई तकरीबन कोई 55 बिलियन तक पहुंच गया है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी यही जो है सूरत हाल है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मॉडल कॉलेज बना रहे हैं। इसी तरह टूरिज्म पे भी हमने काफी जो है फोकस किया है, कल्चर डिपार्टमेंट पे भी काफी फोकस किया है हमने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे भी काफी फोकस किया है। तो टोटल हमारी जितनी भी प्रोविंशियल नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इंटरवेंशन हैं, तो उसका जो है कि बेहतरीन और फार रीचिंग इंपैक्ट होगा बलूचिस्तान पे इंशाल्लाह ताला। कोई बात करना है?